पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के विभिन्न स्थानों पर लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन से जगह जगह पर मार्ग बाधित हो गए हैं। तो वहीं थल मुनस्यारी मार्ग में नव निर्मित पुल की बात करें तो ये पुल पूर्ण रूप से खतरे की जद में आ चुका है। ये पुल हरडिया नाले के ऊपर बना है। ये मुनस्यारी को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। वहीं थल पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में बलिदर के पास सड़क पर मलबा आने से पिछले कई घंटों से मार्ग बंद रहा, जिसके चलते रक्षाबंधन के लिए जा रहे भाई बहन कई घंटों तक यहां पर फंसे रहे। मार्ग में सैकड़ों वाहन फंसे रहे, यात्री परेशान रहे और सड़क खोलने के लिए ADB और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर सड़क खुलवाने का काम करते रहे। साथ ही मदकोट गोलमा कोटाल गांव, इमला जोशा आदि गांव को जोड़ने वाली मुख्य मोटर मार्ग गोरी नदी के गोरी पुल के पास खतरनाक बनी हुई है। यहां से लोग आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। ऊपर से खतरनाक झरना है और नीचे से गाड़ियों की आवाजाही की जा रही है, जिससे कि लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं सीमा सड़क संगठन ने पुल निर्माण के लिए कटिंग का काम शुरू किया, जो कि आजकल बंद है क्योंकि भूस्खलन की स्थिति लगातार बनी हुई है और लोग अपनी जान हथेली में रखकर यहां से गुजर रहे हैं। वहीं DM पिथौरागढ़ का कहना है कि हरडिया नाले के पुल का मामला संज्ञान में आते ही विभाग को निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद जल्द से जल्द सुरक्षित पुल का निर्माण शुरू किया जाएगा। मुनस्यारी का जो तल्ला द्वार क्षेत्र है, आज आपदा के बड़ी मार झेल रहा है, जो कि प्रतिगाड़ हरड़िया के जो पुल बना था ब्रिज पुल 3 साल पहले, वो बुनियाद पूरी ढह गई है, जिससे पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से पूरा आवाजाही बंद कर रखा है। जो रतिकाड़ में 30 मीटर तक रोड की कोई नामो निशानी है, क्योंकि आदमी को 4 किलोमीटर ऊपर पैदल चल के अपनी जान जोखिम में डाल के पार करना पड़ रहा है। और यहाँ से अगर किसी स्थिति में किसी की तबियत बिगड़ जाती है तो हॉस्पिटल तक ले जाना काफी मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर किसी जान जा सकती है, प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हल्द्वानी अल्मोड़ा मुनस्यारी का संपर्क मार्ग पूरी तरह ध्वस्त है, क्योंकि यहाँ पर दूर संचार व्यवस्था भी काफी कमजोर है, जो कि हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इसी तरह के हालात रहे तो तल्ला जोहार क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति आ सकती है। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।